दोस्तों आप जानते हैं, चांद हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हम जो चांद को देखते हैं वो एक तरफ का हिस्सा दिखता है, दूसरे तरफ का हिस्सा हमें आज तक दिखा ही नहीं है। हालांकि रूस ने कुछ साल पहले चांद के दूसरे हिस्से का फोटो लिया था, जो कि पहले हिस्से से दूसरा हिस्सा ठीक अलग था। आज से ठीक करोड़ों साल पहले चांद का निर्माण हुआ था। यह हमारे पृथ्वी का ही एक हिस्सा है, मगर एक सवाल है कि चांद पर दाग क्यों है? दोस्तों आपको पता है, जो चांद पर हम लोग दाग देखते हैं यह गड्ढे उल्का पिंड की वजह से बना है। हमारे पृथ्वी की तरह चांद के पास अपना वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से चांद पर जितने भी उल्का पिंड गिरते हैं वो बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं। मगर हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कोई उल्का पिंड आता है तो वह वायुमंडल में जलकर खत्म हो जाता है। चांद के पास अपना कोई रोशनी नहीं है, यह और ग्रह के ही जैसा सूर्य की प्रकाश की वजह से हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है। चांद पर मौजूदा गड्ढे में सही तरीके से सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाने की वजह से चांद पर हमें दाग दिखाई देता है।